नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं? आज फरवरी की 24 तारीख है और मेरे के भाई बहनों की फरमाइश है कि पोपी के सीड जो है वो कलेक्ट करना बताएं। तो आज मैं आपको पोपी के सीड कलेक्ट करना बताऊंगी, बट इससे पहले मैं कुछ और आपको बताऊं। मैंने कल जो वीडियो डाला था, तो ये जो वेस्ट मटेरियल को प्लांटर के तौर पे किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो ये एक जो मैंने इस पे ये प्लांट लगाया हुआ है, तो मेरे किसी भाई ने ये कहा था, कमेंट किया है कि इसे कैलन चोई कहते हैं, ना कि कैलन कोई। तो इसे बहुत सारे लोग जो हैं कैलन कोई भी कहते हैं और बहुत सारे कैलन चोई भी कहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो मन करे आप इसे कैलन कोई भी कह सकते हैं, आपका मन करे तो आप इसे कैलन चोई भी कह सकते हैं। तो अब मैं सीड की तरफ आती हूँ, तो होप करती हूँ कि ये जो है कैलन चोई और कैलन कोई वाली बात आपको क्लियर होगी होगी। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कैलन चोई भी कह सकते हैं, कैलन कोई भी कह सकते हैं। तो आज मैं ये पोपी के सीड कलेक्ट करना बताऊंगी, ये बहुत ही आसान है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसके सीड हैं, इसमें सीड बन रहे हैं। ये मैंने जैसे बताया था, ये फूल जैसे ये बनता है, ये फूल के सेंटर में जो ये आ रहा है ये इसमें सीड बनते हैं। तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ, थोड़ा नीचे करके बताती हूँ। ये जैसे ये हमारे फूल खिले हैं पोपी के, लाल भी पिंक भी कई तरह के फूल आए हुए हैं। तो जैसे ये फूल हमारा ये बनता है, ये फूल बनता है खिलता है, और इसका जो सीड है फूल के ये सेंटर में ही तैयार होता है, ये साथ के साथ तैयार होता रहता है, फूल भी खिलता रहता है और ये सीड भी, ये जो सेंटर में ये जो चीज़ है तो इसमें इसका सीड भरा रहता है। और ये जब फूल ख़त्म हो जाता है तो इसकी ये पेटल्स जो झड़ जाती हैं, उसके बाद ये फिर कुछ इस तरह से ये रह जाते हैं, ये इस तरह से, ये खाली इस तरह से, ये सेंटर वाला हिस्सा है फूल का, तो इस तरह से रहते हैं। तो इसके बीच में जो है वो सीड भरा होता है। और सीड कब तैयार होता है, वो अभी तो तैयार इसमें हो रहा है, और हमें कलेक्ट कब करना है, वो सीड कब मेच्योर होगा हमारा, जब ये पूरा ड्राई हो जाए तो इसे हमें कलेक्ट करना है। तो इसका जो सीड होता है बहुत ही बारीक, आपने देखा होगा जब मैंने वीडियो बनाया था कि पोपी को हमने किस तरह से ग्रो करना है, तो मैंने ग्रो करना आपको सिखाया था। तो इसमें भी ये बन गया है सीड, मैंने काफ़ी कुछ कलेक्ट कर लिया है और आज मैंने सोचा मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारे, ये देखिए आप, ये जितने भी हैं ये चीज़ है, इसमें सब में सीड भरा हुआ है हमारे। तो हमें जो सीड कलेक्ट करना है वो कैसे करना है, ये इस तरह से, ये हमें ड्राई ले लेना है, ये आप ड्राई देख रहे हैं, ये ड्राई ले लेना है, और इसको फिर हमें यहाँ से ऐसे तोड़ देना है इस तरह से, चाहे काट दो आप कैंची से, चाहे ये ऐसे तोड़ दो, तोड़ के ये ऐसे सिंपल, ये इसके बीच में ये कैप हटा देनी है, और ये जो हमारा ये अंदर है इसमें पूरा सीड भरा होगा। और मैं नहीं चाहती कि ये मेरे हाथ पे चिपक जाए, इसलिए मैं एक इस तरह से जो एयर टाइट छोटा सा पॉली बैग, इसमें मैं सीड कलेक्ट करती हूँ, तो मैं इसी में ही डालूंगी। अगर मैं हाथ में इस सीड को लूंगी तो काफ़ी कुछ जो सीड है मेरा हाथ में लगा रह सकता है। तो ये देख रहे हैं जैसे कि इसकी ये कैप ऊपर की हटा दी है, ये कैप हटा दी है, और इसके अंदर ढेर सारा सीड, थोड़ा भी नहीं, बहुत सारा। तो ये खाली दिख रहा है आपको, ये खाली पोली बैग, ये पूरा खाली। अब मैं इसमें सीड डालूंगी, तो इसको पहले मैं ऐसे खोल लेती हूँ। तो जब भी आप सीड इसका कलेक्ट करें,
तो इस तरह से पोली बैग में ये सीधे कलेक्ट करें ताकि आपका सीड बेकार ना जाए। और जी ये जो अपने आप झड़ जाते हैं तो फिर अपने आप ही इसके प्लांट्स निकल आते हैं नेक्स्ट टाइम। ये ऐसे और इस तरह से ये इसको उल्टा कर देना है, बहुत ही सिंपल। ये ऐसे उल्टा कर देना है, ये देखा, ये देखा आपने, ये ब्लैक जो निकला, ये देखो, ये देखो, ये बहुत ही बारीक बारीक, बहुत ही, पता नहीं आपको दिख रहा होगा, मुझे भी क्योंकि ऐसे पता नहीं चल रहा। और ये ऐसे मैं देख रही हूँ क्योंकि धूप बहुत स्क्रीन पे आ रही है। तो ये इसमें ढेर सारा सीड, ये देखो हमारा हो गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपको हाथ में लेके भी दिखाती हूँ। ये हमारा पोली बैग में हो गया, ये हाथ में, अब जहाँ पे डालो तो ये बिल्कुल चिपक जाता है साथ में। तो मुझे लग रहा कि वेस्ट ना हो हमारा ये सीड। सीड तो खैर बहुत सारा तैयार हो रहा, ये ऐसे, ये इस पॉड को खाली कर देना है। ये देखा आपने, ढेर सारा, तो हवा चल रही है तो मुझे लग रहा है ये जो ब्लैक दिख रहा है। अब आप ये कैमरे को, मैं ऐसे दिखाती हूँ सब करके, ये जो हमारा ये ब्लैक, ये बाहर के छिलके हैं, जो ये अंदर ब्लैक कलर का है, ये हमारा क्या है सारा, ये सीड है, तैयार सीड। ये हवा बहुत चल रही है, ये उठ जाएगा, तो इसको मैं गमले में ही डाल दूँगी। तो इस तरह से हमें ये सीड कलेक्ट करना है। तो जैसे जैसे ये सूखते जाएंगे, जैसे ये पिंक लगा हुआ है, तो मैं अलग से ये जो मैंने अभी, ये जो मैंने सीड ये कलेक्ट किया है, ये इस पोली बैग में, ये देख रहे हैं आप, ये जो सीड मैंने कलेक्ट किया है, ये है रेड फूलों का, और ये जो पोपी के पिंक वाले ये लगे हैं, ये पिंक वाले जो फ्लावर हैं, ऊंचा करके दिखाती हूँ मैं आपको, ये पिंक वाले फूल देख रहे हैं आपने, तो ये पिंक के ये लगे हैं, तो ये मैं अलग से उसमें पोली बैग में डालूंगी और फिर उनको अच्छे से बंद करके बस यहाँ से ये कैप हटा देनी है। और ये जब ये पॉड आपका खुल जाएगा तो इसको उल्टा दो पोली बैग में, और ये पिंक वाले फिर मैं उस पर पिंक लिख दूँगी, पिंक फ्लावर लिख दूँगी, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम याद रहे। तो ये देखो कितना आसान है, बहुत ढेर सारे सीड हमारे एक ही पॉड में, ढेर सारे सीड, वो मेरे हाथ से भी चिपक गए थे तो वो मैंने गमले में ही झाड़ दिया हाथ। और ये हमारे इस तरह से, ये देखिए नीचे, बस ऐसे नीचे, बाकी इसके साथ ही लग गया है। और इसको ऐसे एयर टाइट, ये ऐसे ये बंद कर दिया, बंद करके ये सीड पूरी तरह से तैयार है, हमें सुखाने की ज़रूरत नहीं है, ये सूखे हुए ही हमें जो है इसकी सीड लेने हैं। एक बारी मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, ये देखिए ये सब हमारे सीड हैं, ये सब हमारे, ये सीड, इसमें से ढेर सारे सीड निकलेंगे हमारे, बहुत सारे सीड निकलेंगे इसमें हमारे, ये आप देख रहे हैं, ये सूखने के बाद। तो इनको इस तरह से कलेक्ट करना है, तो ये बहुत ही आसान है। और जब इनको सीड को लगाना है तो आपको पता ही है सितंबर और अक्टूबर में, तो मैंने जो कि वीडियो बना के आपको दिखाया भी था। तो होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और ये कई तरह के पॉपी के फूल हैं, ये देखिए इस तरह के भी हैं, झड़ जा रहे, ये बिल्कुल बड़े नरम मुलायम नाजुक होते हैं, ये इस तरह के भी हैं, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे अंदर से हवा खूब चल रही है, ये देखिए बहुत ही प्यारा। और ये इसका सीड बन रहा है, ये ब्लैक कलर का, और ये कुछ बिल्कुल ये रेड इस तरह से भी हैं, ये कुछ इस तरह से भी हैं, ये बिल्कुल रेड कलर का और अंदर से भी रेड है ये, और ये बाहर से ये देखो वाइट, जैसे ये वाइट कलर का ये किनारा बना, और अंदर से ये ब्लैक दिख रहा है। तो धूप बहुत ज़्यादा तेज है, और ये पिंक कलर की पूपी। होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो मेरे भाई बहन इस तरह से सीड कलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ही इनके ये पॉड जो हैं सूख जाएँ, ड्राई हो जाएँ इस तरह से, कुछ ये इस तरह से ड्राई हो जाएं, तो उनकी ये कैप खोल के इनको एयर टाइट पोली बैग में कलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए।
धन्यवाद जी, अगली बारी मैं फिर किसी प्लांट के बारे में जहाँ कोई और इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। नमस्ते जी।